दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि भारत को फेस्टिवल्स की कंट्री कहा जाता है, यानी कि त्योहारों का देश। यहाँ बहुत सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, और मेरा तो मानना है कि त्यौहार जो है ना अगस्त में शुरू हो जाते हैं, लाइक 15 अगस्त, राखी, देन जन्माष्टमी, और इसके बाद चलते चलते लगातार आते आते जो है वो ख़त्म होता है। थोड़ा सा फुल स्टॉप लगता है लोहड़ी पे जनवरी में, और उसके बाद 1-2 महीने के गैप के बाद उसके बाद फिर त्यौहारों की झड़ी लग जाती है। लेकिन रीजनल त्यौहार, ये तो नेशनल फेस्टिवल है, लेकिन रीजनल त्यौहार भी बहुत ऐसे हैं जो हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि त्यौहारों की अपनी एक खूबसूरती होती है, क्योंकि इन त्यौहारों के ज़रिए हम एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ देते हैं एक दूसरे को, टोकन ऑफ लव जिसको हम कह सकते हैं, और बताते हैं कि आप हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और खुशियों की, हंसी की मिठास जो है सब में बिखेरने की कोशिश करते हैं, और यही आशा करते हैं त्यौहारों के ज़रिए कि पूरा साल 12 महीने ऐसी ही मिठास और ऐसी ही खुशियां बनी रहे। और 12 महीने से मुझे याद आया कि आज मैं आपको ऐसे कुछ बिजनेस टिप्स दूंगी या फिर बिजनेस बताऊंगी जो 12 महीने चल सकते हैं और जो इन त्यौहार की तरह सदाबहार रहते हैं, यानी कि कभी पुराने नहीं होते, हर साल नए 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 लगते हैं। तो आज कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज आपको देने वाली हूँ जो सीजनल नहीं है, जो आप 12 महीने चला सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइएगा, और हाँ, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोस बिजनेस को लेकर आपको आगे देखने हैं। ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों का बिजनेस। भारत में त्योहार शुरू होते ही लोग अलग अलग तरह की मिठाइयाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अलग से अलग तरह की मिठाई अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक पहुंचाए। इसके अलावा आजकल जो नई चीज प्रचलन में आई है वो है ड्राई फ्रूट्स के डब्बों के पैकेज देना। आजकल के बदलते परिवेश में लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस हो गए हैं, वो मीठे और तीखे से परहेज करते हैं। ऐसे में ड्राई फ्रूट को हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, और गिफ्ट पैक में भी अलग अलग ड्राई फ्रूट्स ही पैक करके दिए जाते हैं। ऐसे में चाहे त्योहार हो या शादी के मिठाई के डिब्बे, इसलिए ये बिजनेस काफी जोरों शोरों से चल रहा है। इस बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का सरल तरीका है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रखें। कोशिश करें कि आप माल की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट अच्छे डीलर से करें। साथ ही ये बिजनेस आप दिवाली के समय में शुरू कर सकते हैं। त्योहार के हिसाब से थाली का बिजनेस। आप त्योहार के हिसाब से रक्षाबंधन या करवा चौथ को लेकर थाली का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें आप पूजा सामग्री साथ में रख सकते हैं। इसमें आप दिया, पूरी पूजा सामग्री आदि के साथ पूरी थाली डिलीवरी करवा सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह की डिलीवरीज होती हैं, जिससे आप अलग अलग तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्क और टेंशन ज्यादा है, पर यकीन माने फायदा भी उतना ही है। दिवाली गिफ्ट बिजनेस। दिवाली भारत में काफी लोकप्रिय त्योहार है। इस त्योहार पर सब खुलकर अपने बजट के अनुसार खर्च करते हैं। साथ ही इस त्योहार में लोग लगभग सभी को गिफ्ट देते हैं, चाहे वो उनके स्टाफ हो, परिवार हो या दोस्त। इसलिए आप दिवाली गिफ्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आप कुछ समय में ही ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप गिफ्ट बनाकर बेच सकते हैं, और साथ ही दिवाली से जुड़े आइटम्स भी बेच सकते हैं। समर कैंप। आजकल समय ऐसा है कि बच्चे पहले की तरह गर्मी की छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पाते, पर पूरी छुट्टी में बच्चों का घर बैठे रहना भी कोई पसंद नहीं करता, इसलिए समर कैंप आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। आप चाहें तो इसकी शुरुआत एक छोटे स्तर पर कर सकते हैं। आप इसमें बच्चों को अलग अलग तरह की एक्टिविटी करवा सकते हैं, और अपनी काबिलियत के हिसाब से बच्चों को किसी न किसी चीज में एंगेज कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, और आप माता पिता को ये यकीन दिला देते हैं कि उनके बच्चे आपके पास आकर वाकई कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, तो आप इसमें काफी मुनाफा कमा सकते हैं, और अगली बार आप थोड़े बड़े लेवल पर ये कर सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस में शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि एक आकर्षक जगह और सेटअप के बिना आप बच्चे और पेरेंट्स को खींच नहीं सकते, पर आप अपनी खासियत के हिसाब से मुनाफा कमा सकते हैं। टूर गाइड। अगर आपका शहर ऐसा है जहां अक्सर टूरिस्ट आते रहते हैं, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको इसकी जानकारी है तो आप खुद से ही शुरुआत कर सकते हैं, वरना आपको कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे टूर गाइड ग्रुप्स बनाना, बेहतरीन लोगों को काम पर रखना, शहर के अनुसार लोगों को ट्रेनिंग देना। इस तरह से आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फलों और सब्जियों की बिक्री। ये बिजनेस सीजन के हिसाब से काफी अच्छा है। आप सीजन एक हिसाब से फल और सब्जियां लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा फायदा है कि आप 12 महीने इसे कर सकते हैं। बस करना ये है कि सीजन बदलते ही आपको अपने आइटम बदलने हैं। ज्यादा मुनाफा के लिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इवेंट प्लानिंग।
इवेंट प्लानिंग का बिजनेस यूं तो लगभग पूरे साल ही काम करता है, पर फिर भी अगर आप इसमें पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा शादी या इवेंट आपके शहर में कब हो रहे हैं। जैसे कि अक्टूबर, नॉर्थ इंडिया में देखा गया है कि शादियां अक्टूबर से लेकर फरवरी या मार्च की शुरुआती समय तक होती हैं, इसलिए आप इस समय वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। गर्म कपड़ों का बिजनेस, ये बिजनेस भी आपको काफी मुनाफा देता है। इसमें आप चाहें तो दूसरे देशों से भी कपड़े मंगा कर बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इतना बजट है तो आप गर्म कपड़े बना भी सकते हैं और उसे अलग अलग जगह भेज कर मुनाफा कमा सकते हैं। पतंग का बिजनेस, हालांकि इस बिजनेस में मुनाफा सीमित है, पर अगर आपका बजट कम है तो आप आसानी से कम लागत में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रेनकोट या छाते का बिजनेस, ये भी एक अच्छा विकल्प है जो बरसात के मौसम में आप शुरू कर सकते हैं। आप थोक में कम मूल्य पर माल एक छोटी सी दुकान में भर सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। इस तरह से आप अपने बजट के हिसाब से छोटे या बड़े बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही ये बात ध्यान रखें कि सीजन बिजनेस में ऐसा कतई नहीं कि आप एक बार शुरू कर अगले साल फिर से शुरुआत से सब करेंगे। सीजन बदलने के साथ ही आप आइटम्स बदल सकते हैं और बिजनेस जारी रख सकते हैं। तो देर किस बात की है, अच्छे से प्लानिंग करें और जल्दी अपना बिजनेस शुरू करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे आप फेस्टिविटीज को भी बिजनेस में बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो अच्छे दिमाग की, यानी कि तेज दिमाग की, और साथ ही साथ मार्केटिंग स्किल्स की। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।